कहते हैं कि जन्नत भी धरती पर ही है और नरक भी धरती पर ही है। जी नॉलेज स्टोरी, आज आपके लिए तीन ऐसे गांव की जानकारी लेकर आया है जो धरती के जन्नत से कम नहीं है। ऐसे ही स्वर्ग से सुंदर गांव की यात्रा से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। इन तीन गांवों में पहला है मावलिनोंग गांव, जो कि मेघालय में है। शिलोंग से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है छोटा सा, जिसका नाम है मावलिनोंग। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा इस गांव को मिला हुआ है। यहाँ के जो आबादी है वो लगभग 500 के लगभग है। 82 परिवार इस गांव में रहते हैं। 100% साक्षरता इस गांव की है, लेकिन देखने में ये इतना सुंदर पहाड़ों के बीच प्राकृति के मनोरम दृश्य को अपनी में समेटे हुए ये गांव भगवान के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो परिवार रहते हैं वो मातृसत्तात्मक परिवार है, बच्चे को माँ का सरनेम मिलता है, लेकिन इस गांव में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। बांस के जगह जगह घर के सामने कूड़ेदान मिलते हैं और इस गांव में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। आप कहीं भी जाओ आपको कहीं कोई कूड़ा नहीं मिलेगा। सभी व्यक्ति जागरूक है सफाई के प्रति और सारा घर का जो कचरा होता है वो बांस के वहाँ खुद लोग वहाँ बनाते हैं, इस बांस के कूड़ेदान को उसमें डालते हैं। हर घर के सामने बगीचा, सीढ़ीनुमा खेती देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ एक और सुंदरता है कि यहाँ जो नदी नालों पे जो पुल बने हुए हैं वो भी प्राकृतिक है। पेड़ों की जड़ों को ब्रिज का रूप दे दिया जाता है और उसके ऊपर से गुजरना भी आपको अलौकिकता का दृश्य करवाता है। ये गांव मेघालय में है और इसको एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा मिला हुआ है। इन तीन गांवों में जो दूसरा गांव है उसका नाम है खोनोमा। ये नागालैंड में है एक छोटा सा गांव जो कि कोहिमा से 20 किलोमीटर दूर है। इस गांव को एशिया का पहला हरा गांव घोषित किया गया है। ये इस गांव में 100 से ज़्यादा प्रजाति के वन्य जीव पाए जाते हैं और 250 से ज़्यादा प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ अंगामी जनजाति निवास करती है, पहाड़ पर स्थित है। छोटे छोटे खेत जो कि सीढ़ीनुमा खेती के द्वारा बनाए गए हैं। पहले इस गांव के लोग शिकारी थे, लेकिन अब इन लोगों ने पूर्णतः शिकार को बंद कर दिया है और उन्होंने खुद ने प्रकृति के संरक्षण को अपना लिया है। यहाँ जो एक नागालैंड का राज्य पक्षी है ट्रेंगोपन, वो पक्षी यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है। पेड़ यहाँ नहीं काटे जाते, केवल घर की आवश्यकता के लिए भी यदि पेड़ काटना हो तो वो भी 2 मीटर ऊपर से पेड़ को काटा जाता है ताकि पेड़ वापस तैयार हो सके। यहाँ से जो पहाड़ी की चढ़ाई पर हम देखें तो यहाँ से जो म्यांमार है वो सीमा दिखती है, म्यांमार के दर्शन हो सकते हैं। तो ये जो खोनोमा गांव है ये भी भारत में एक स्वर्ग से कम नहीं है। तीसरा जो गांव है वो है स्मित गांव मेघालय में। ये मेघालय की राजधानी शिलोंग से मात्र 11 किलोमीटर दूर है। प्रकृति का मनोरम दृश्य, इस गांव को भारत का प्रदूषण मुक्त गांव का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ के लोग सब्जी और मसाले की खेती करते हैं। ये जो गांव है वो ईस्ट खासी हिल्स पर है और यहाँ मात्र 5,000 की जनसंख्या है, लेकिन सुंदरता में ये स्विट्ज़रलैंड के दृश्यों को याद दिलाता है कि किस प्रकार हम मानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड काफ़ी सुंदर है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड से भी ये गांव कम सुंदर नहीं है। और इसको प्रदूषण के मामले में यहाँ प्रदूषण बिल्कुल जीरो है,
इस गांव में आप जाओगे तो होटलें भी ऐसी बनी हुई मिलेगी जो कि लकड़ी से बनी हुई है और यहां प्रदूषण का नामो निशान नहीं है। काश हमारे गांव भी ऐसे हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक नई जानकारी के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।